नमस्कार। जम्मू कश्मीर में 25-26-27 तारीख को एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जम्मू के कल्चर को दर्शाएगा, जो जम्मू में जो छुपी हुई चीजें हैं जिनको लोगों के सामने आने में अभी तक का बहुत समय बीत गया लेकिन लोगों के सामने नहीं आ पाई, ऐसी सारी चीजें चाहे वो फूड कल्चर हो, कपड़े से रिलेटेड हो। जम्मू में जो मेला लगता था वो पुराने जमाने में मेले में सारी चीजें उस इलाके की दर्शाई जाती थी, उसी तरीके से 25-26-27 तारीख को एक मेला लगने वाला है कि जम्मू में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें दर्शाई जाएंगी ताकि छोटी से छोटी चीज भी लोगों के सामने आ सके और लोग उससे रूबरू हो सके। आप देखिए पूरी आज की दृश्य ये है कि जम्मू में हमारी बेटी ज्योत्सना ने अमर महल जो हमारा महल है वहां स्थित उसमें एक कार्यक्रम बन रहा है जिसमें तभी फेस्टिवल किया है, इसमें बहुत हमारी पेंटिंग जो वहां वो भी लोग देखेंगे और वहां के संगीत, वहां का भोजन, वहां की वेशभूषा वो सब देखेंगे। एक तो अमर महल दिखेगा, हमारे महल पेंटिंग जो है वो दिखेंगे और लोग आ रहे हैं, डॉक्टर गोस्वामी आ रहे हैं बोलने के लिए, वो सबसे प्रसिद्ध आजकल मिनिचर पेंटिंग्स में माने जाते हैं दुनिया में, और वहाँ का संगीत होगा, वहाँ का भोजन होगा। हम चाहते हैं कि जम्मू की जो संस्कृति है उसको भी लोग पहचाने। अब लोग से 3 दिन का अब लोग से जाते हैं कटरा वैष्णो देवी दर्शन करके तो जाते हैं, जम्मू निगलेक्ट हो जाता है। जम्मू के मंदिर बड़े सुंदर है, एक से एक बढ़िया मंदिर है वहाँ, और 3 दिन का फेस्टिवल है 25-26-27 तक। तो जम्मू शहर की तो बड़ा शहर नहीं, इतना बड़ा वो भी देख सकते हैं जम्मू। आपके हिसाब से क्या जम्मू अभी तक पूरी तरीके से लोगों के सामने आया नहीं है? आप ये नहीं आया? जी हाँ, नहीं आया है लोगों के सामने और इसलिए हम जाना चाहते हैं लोगों के सामने। संदेश लोगों को ये रहेगा कि जम्मू बड़ी अच्छी जगह है, आना चाहिए लोगों को। आपकी पेंटिंग का जो है वो थीम क्या है, किस थीम का? नरेंद्र मोदी की 47 पेंटिंग्स है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, कहीं दुनिया में नहीं है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में कुछ होंगे, वो सारा सेट वहाँ डिस्प्ले होगा मेन हॉल में, तो वो एक विशेषकर देखने की चीज है। मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है और मैं डॉक्टर करण सिंह जी की पुत्री हूँ, और हमने ये फेस्टिवल का जो आइडिया था ये एक्चुअली कई जगह पे फेस्टिवल हो रहे हैं, आर्ट का फेस्टिवल कहीं हो रहा है, साहित्य का फेस्टिवल कहीं और हो रहा है, हमने सोचा हम ऐसा फेस्टिवल करें जिसमें सारी चीजें एक साथ हो जाएं, तो साहित्य भी होगा इस फेस्टिवल में, आर्ट भी होगा, म्यूजिक भी होगा, थिएटर भी होगा, सब चीजें होंगी, मेला भी बनाया जाएगा जैसे पहले जमानों में मेला हुआ करता था। कि वहां पे आपको एक तो जो म्यूजियम के अंदर जो पेंटिंग्स हैं उसके ऊपर बीएन गोस्वामी जी ने जो किताब लिखी है वही बीएन गोस्वामी जी उस पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पेंटिंग्स तो है सबको पता है वहां पे है लेकिन उसको समझने में थोड़ा डेप्थ चाहिए, और वो बड़े ह्यूमर और मतलब हास्य उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में वो समझाते हैं उस पेंटिंग के बारे में। ये फेस्टिवल है जी 25, 26 और 27 फरवरी 2023। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जम्मू कभी तक लोगों की नजर में नहीं आया है, जो वहाँ का कल्चर है उसको लोग जान नहीं पाए, ऐसा आपको क्यों लगा? जी मुझे ऐसा लगा कि लोग कुछ कुछ चीजों के लिए के बारे में जानते हैं, जैसे राजमा चावल हो गया, सब लोग जानते हैं जम्मू का है, लेकिन सिर्फ राजमा चावल नहीं है, उसके खाने में बहुत बहुत बारीकियां है, एक कद्दू है, मीट है, कई चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई है, जो जैसे धुनी डालते हैं उसके अंदर, एक धुआं वाला कोयला डाल देते हैं उसका टेस्ट ही कुछ और बदल जाता है, तो उस तरह की जो बारीकियां वो लोग नहीं जानते। अच्छा ये नहीं जानते कि जो ये शैली है पेंटिंग की वो अभी भी कायम है, और म्यूजियम की वजह से अमर महल म्यूजियम जहाँ पे वेन्यू है इस फेस्टिवल का, वहां से हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं आर्टिस्ट को। ये ऐसे क्योंकि हम चाहते थे कि एक जगह पे सीमित न रह जाए, एक आइडिया लोगों का सिर्फ ये है कि सिर्फ जम्मू है या सिर्फ कश्मीर है या सिर्फ दिल्ली हो, एक तवी के नाम से देखा जाए तो उसमें फिर वो फ्लो आ जाता है, एक नदी का जो बहना है उसका मतलब है कहीं से आती है कहीं चली जाती है, और उसमें बहुत सारी मिश्रण बहुत आ जाता है कल्चर्स का और शैलियों का सब किस्म का, तो हमने सोचा वो सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए। आई एम सौरभ, आई एम सौरभ सिंघवी फ्रॉम आर्ट मैग्नम गैलरी। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब हमारी गैलरी में अपना फेस्टिवल जम्मू तवी फेस्टिवल लॉन्च करने आए हैं,
और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है बिकॉज इसके थ्रू वो जम्मू की संस्कृति को मासेस तक ले जाना चाहते हैं, जो हिडन जेम्स हैं उसके बारे में पूरे इंडिया में उसको स्प्रेड करना चाहते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू, आप लोग जरूर इस फेस्टिवल में आए, ये फरवरी में ये फेस्टिवल है, और आके जम्मू की जो पुरानी संस्कृति है उसको देखें, अप्रिशिएट करें और उसको एंजॉय करें। अंशु खन्ना हूँ रॉयल फेबल्स से, और मैं फैमिली जम्मू कश्मीर रॉयल फैमिली डॉक्टर करण सिंह एंड जोशना जी के साथ जुड़ी हूँ उनकी कॉस्ट्यूम एग्जीबिशन के नोट करने के लिए। आप अमर महल में जब आएंगे तो वहाँ पर एक पूरी गैलरी है जिसमें ये सारे पुराने कॉस्ट्यूम्स हैं, कंटेम्प्रेरी डिजाइनर्स के साथ इनको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। ऐसी कढ़ाई और ऐसा पहनावा आप सब भूलते जा रहे हैं, और ऐसे जो लोग बनाते हैं उनको प्रमोट करने की। डोगरी फेस्टिवल एक बहुत डोगरी कल्चर बिल्कुल अलग है, तो उसके साथ जुड़िए। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।